India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। जहांगीरपुरी बुलडोजर कार्रवाई पर अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सिब्बल ने कहा, मुसलमानों को निशाने पर रखा गया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, किसी एक समुदाय को टारगेट करने का आरोप है गलत। चिकित्सा लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला। कहा, दुर्भाग्य या गलत उपचार से केस बिगड़ा तो हमेशा डॉक्टर जिम्मेदार नहीं। डॉक्टर पर दायित्व तभी आएगा जब डॉक्टर के पास कौशल न हो। SC/ST एक्ट के संदर्भ में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दिया फैसला। कहा, एक्ट की आड़ में जब कानून का दुरुपयोग हो तो कोर्ट अग्रिम जमानत दे सकता है। अदालत ने आरोपी को दी अग्रिम जमानत। श्रीनगर एसिड अटैक मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने 8वीं कक्षा के आरोपी छात्र की जमानत की रद्द। कहा, दोषी को सुधार की आवश्यकता। दोषी को समाज के मानदंडों और कानूनों का पालन करना सीखना होगा। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर फिलहाल दो हफ्ते तक बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश जारी किया। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी। फिलहाल कल का अंतरिम आदेश जारी रहेगा और यह आदेश सिर्फ दिल्ली के जहांगीरपुरी के लिए ही है। जहांगीरपुरी इलाके में बुलडोजर से तोड़फोड़ के मामले पर सुनवाई शुरू हुई। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर CPM की नेता वृंदा करात ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। करात ने अपनी याचिका में जहांगीरपुरी में हुई तोड़फोड़ का आदेश रद्द करने की मांग करते हुए तोड़फोड़ की वजह से पीड़ित लोगों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। साथ ही मुआवजा दिए जाने के लिए समय सीमा तय करने की भी मांग की। याचिका के मुताबिक जहांगीरपुरी में हुई तोड़फोड़ अमानवीय, अवैध और अनैतिक बताई है। इस कार्रवाई ने लोगों के बुनियादी अधिकारों में शामिल जीने के अधिकार और रोजगार और रहने के अधिकार का हनन किया है। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में हुई तोड़फोड़ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अवमानना भी है। जो कल ऑर्डर पास हुआ था वो ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा, स्टेटस को रहेगा और वहाँ दिल्ली की जहांगीरपुरी एरिया में जो भी डिमोलिशन का काम हो रहा था वो बिल्कुल नहीं होगा, उस पर रोक लगी रहेगी। और स्टेट्स को, अथॉरिटीज को नोटिस इशू किया गया है और ये कहा गया है कि आप इसमें जवाब दीजिए। पिटिशनर्स भी इसमें कुछ एफिडेविट फाइल करेंगे और ये बताएंगे कि अफेक्टेड लोगों को नोटिस गया था कि नहीं गया। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वो देश भर में बुलडोजर से तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मांग तार्किक नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि इस कार्रवाई के जरिए समाज के एक तबके को निशाना बनाया जा रहा है। दवे ने कहा, जब MCD को पता चला कि हम आदेश के खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं तो इन्होंने 9 बजे से ही निर्माण को ध्वस्त करना शुरू कर दिया, जबकि 2 बजे से कार्रवाई करना था। दवे ने कहा, दिल्ली में लगभग 1700 से ज्यादा अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, जिनमें लगभग 50 लाख लोग रहते हैं। प्रशासन तोड़फोड़ के लिए खास इलाके को ही चुनता है। दवे ने कहा, वो लोग गरीब हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। दिल्ली में सैनिक फॉर्म और गोल्फ लिंक जैसे इलाके भी हैं जहां पर निर्माण कार्य हो रहा है, वहां तोड़फोड़ करिए। दवे ने कहा कि बिना सूचना के कार्रवाई की गई और जब अदालत ने यथास्थिति का आदेश जारी किया तब भी काफी देर बाद कार्रवाई रोकी गई।
जमीयत की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा, अतिक्रमण की समस्या दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की है, लेकिन यहाँ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र का पक्ष रखते हुए कहा कि जो भी कार्रवाई की गई वो अतिक्रमण हटाने के लिए की गई है, किसी एक समुदाय को टारगेट करने का आरोप सरासर गलत है। मेहता ने कहा कि 22 मुस्लिम और 88 हिंदू बुलडोजर की कार्रवाई से प्रभावित हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, 2 सप्ताह के बाद सुनवाई सूचीबद्ध की जाएगी, तब तक दलीलें पूरी की जाएंगी। पीठ के आदेश के बाद सिब्बल ने दूसरी याचिका में विध्वंस पर रोक लगाने का दूसरा अनुरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। चिकित्सा लापरवाही का मसला आए दिन सुर्खियां बनता है, जिसमें मरीज या उसके परिजन केस खराब होने पर डॉक्टर या अस्पताल पर आरोप मढ़ते हैं। इसी तरह के केस में एक पत्नी ने पति की मौत को चिकित्सकीय लापरवाही बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि डॉक्टर को सिर्फ इसलिए जिम्मेदार न ठहराएं क्योंकि दुर्भाग्य या गलत उपचार से केस बिगड़ा हो। मरीज की मौत के लिए हमेशा डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होते। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर पर दायित्व तभी आएगा जब डॉक्टर के पास अपेक्षित कौशल नहीं हो या डॉक्टर ने कौशल का उचित क्षमता के साथ प्रयोग नहीं किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सीय लापरवाही मसले पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर अपनी ओर से उपलब्ध सर्वोत्तम चिकित्सा सहायता प्रदान करते हैं। एक डॉक्टर को सिर्फ इसलिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए क्योंकि दुर्भाग्य या उपचार का उचित तरीका न चुनने के कारण मामला बिगड़ गया और मरीज को बचाया नहीं जा सका। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने कहा कि चिकित्सक केवल तभी उत्तरदायी होगा जब उसका आचरण उसके क्षेत्र में उचित रूप से सक्षम चिकित्सक के मानकों से नीचे हो। इस मामले में एक महिला ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाकर आरोप लगाया कि उसके पति की मौत ऑपरेशन के बाद चिकित्सीय लापरवाही के कारण हुई है। उसने इलाज करने वाले डॉक्टर्स और अस्पताल की ओर से लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले के खिलाफ डॉक्टर चंदा रानी अखोरी और अन्य की अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि डॉक्टर पर दायित्व तभी आएगा जब या तो डॉक्टर के पास अपेक्षित कौशल नहीं है जो अपने पास होने का दावा करता है, या फिर डॉक्टर ने मामले में कौशल का उचित क्षमता के साथ प्रयोग नहीं किया जो उसके पास था। आयोग ने ऑपरेशन के बाद लापरवाही के लिए एक नर्सिंग होम और उसके डॉक्टर्स के खिलाफ 95,16,000 रुपए हर्जाने के उनके दावे को खारिज कर दिया था। 1995 में किडनी प्रत्यारोपण के कुछ महीनों के भीतर उनके पति नवीन कांत की मृत्यु हो गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में सभी पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकल केयर प्रोटोकॉल मरीजों को दिए गए थे, फिर भी उसकी स्थिति बिगड़ती गई और अंत में उसे बचाया नहीं जा सका, जो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन नियति को जो स्वीकार्य है उसका कानूनी सहारा नहीं हो सकता। कोर्ट ने हालांकि कहा कि उपचार के एक कोर्स को अपनाने के दौरान चिकित्सक पर ये कर्तव्य डाला जाता है कि उसे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा चिकित्सा प्रोटोकॉल का उसके सर्वोत्तम कौशल और सक्षमता के साथ पालन किया जा रहा है। चिकित्सा लापरवाही तभी होती है जब कोई चिकित्सक अपने पेशे के मानकों का निष्पादन करने में असफल रहता है। लापरवाही 3 तरीके से हो सकती है। पहला, प्रतिवादी वादी की देखभाल के कर्तव्य को पूरा नहीं करता। दूसरा, प्रतिवादी देखभाल के कर्तव्य का उल्लंघन करता है। तीसरा, वादी को इस उल्लंघन के कारण किसी प्रकार की क्षति का सामना करना पड़ता है। सन 1955 में उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सा पेशे को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत लाया गया और चिकित्सा उपचार को सेवाओं का नाम दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। बलात्कार के आरोपी के जमानत पर रिहाई का स्वागत करने के लिए लगाए गए बैनरों को गंभीरता से लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की जमानत को दी गई चुनौती वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। पीठ को पिछली बार सूचित किया गया था कि आरोपी के जमानत पर रिहा होने के बाद भैया इस बैक बयान वाले बैनर लगाए गए थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ को आरोपी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने सूचित किया
कि पोस्टर जमानत देने के आदेश के लगभग 3 महीने बाद लगाया गया था। पीठ को सूचित किया गया कि आरोपी की तस्वीर के साथ लगे पोस्टर में मां नर्मदा जयंती नामक वार्षिक उत्सव की शुभकामनाएं भी दी गई हैं, जो हर साल फरवरी में हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। आरोपी छात्र नेता होने के कारण त्योहार की तैयारियों में जुटे लोगों से संबंधित है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए आरोपी के नाम और तस्वीर को दर्शाने वाले मीडिया पोस्ट पर साझा किए गए कुछ पोस्टरों टिप्पणियों की तस्वीरों वाले सोशल मीडिया पोस्ट उसकी रिहाई के समकालीन नहीं है। इसके अलावा पोस्टर जमानत की शर्तों के किसी भी उल्लंघन को प्रदर्शित नहीं करता है। पीठ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमित याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें आरोपी को जमानत दे दी गई। याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी ने पीड़िता से शादी करने का झूठा वादा करके 3 साल की अवधि में कई मौकों पर उसके साथ बार बार यौन संबंध बनाए। हाईकोर्ट ने यह विचार किया कि यह एक ऐसा मामला नहीं है जिसमें आवेदक को पूरे मुकदमे के दौरान हिरासत में रखने की आवश्यकता हो। हाईकोर्ट के समक्ष आरोपी ने तर्क दिया कि वो निर्दोष है और लड़की के साथ उसके संबंध सहमति से थे। दोनों पक्षों ने शारीरिक अंतरंगता में लिप्त होने के लिए पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक पिता अपनी पत्नी और बेटी को भरण पोषण देने की अपनी जिम्मेदारी से इंकार नहीं कर सकता, भले ही उसे अपने माता पिता की देखभाल करनी पड़ रही हो। इस प्रकार हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें उसे पत्नी और बेटी को भरण पोषण देने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा, सिर्फ इसलिए कि बेटी अपने नाना नानी के साथ रह रही है ये नहीं कहा जा सकता कि पिता अपने बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुक्त है। कोर्ट पति की तरफ से दायर एक याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें 21 फरवरी 2022 को फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है। फैमिली कोर्ट ने पति को निर्देश दिया था कि वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के तहत अपनी पत्नी और बेटी को प्रति महीने 20,000 रूपये भरण पोषण के तौर पर प्रदान करे। अपीलकर्ता पति और प्रतिवादी पत्नी की शादी 24 फरवरी 2011 में हुई थी और उन्हें 5 फरवरी 2015 को एक बेटी हुई। समय के साथ दोनों पक्षों के बीच संबंध बिगड़ते चले गए। हालांकि मई 2016 में अपीलकर्ता पति को पता चला कि पत्नी के अपने चचेरे भाई के साथ व्यभिचारी संबंध हैं। इसके बाद पति 22 मई 2016 को अपना घर छोड़कर अपने भाई के साथ रहने लग गया था। इसके बाद उसने क्रूरता और व्यभिचार के आधार पर तलाक की याचिका दायर की जो फैमिली कोर्ट के समक्ष लंबित है। दूसरी ओर प्रतिवादी पत्नी ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत शिकायत दर्ज कराई जो महिला न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है। अदालत ने कहा, इसके अलावा अगर ये स्वीकार कर लिया जाता है कि अपीलकर्ता को माता पिता की देखभाल करनी है तो भी वो अपनी पत्नी और बेटी को बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी से इंकार नहीं कर सकता। अगर बेटी नाना नानी के साथ रह रही है तो भी ये नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी अपने बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुक्त है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1979 का अपराध कानून का दुरुपयोग प्रतीत होता है तो कोर्ट के पास अग्रिम जमानत देने की शक्ति है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत एक आरोपी को अग्रिम जमानत दी। आरोपी अपीलकर्ता ने अग्रिम जमानत के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14(a)(2) के तहत अपील दायर की थी। अभियोजन पक्ष का कहना है कि पीड़िता एक पंचायत सचिव ने अपीलकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जो उप सरपंच है। आरोप है कि पंचायत की बैठक के दौरान उन्होंने पंचायत के प्रस्ताव रजिस्टर में कुछ सुधार किए। जब शिकायतकर्ता ने इसका विरोध किया तो अपीलकर्ता ने उसके साथ गंदी भाषा में गाली गलौज किया। बाद में उसी दिन फिर से अपीलकर्ता वहां आया और जाति के नाम पर गाली गलौज की, कॉलर पकड़कर अन्य सदस्यों के सामने जान से मारने की धमकी दी। अपीलकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता रविंद्र शर्मा ने तर्क दिया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी अपीलकर्ता और उसके अन्य द्वारा सरकारी फंड के गबन के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई शिकायतों को वापस लेने के लिए दबाव बनाने के लिए दर्ज की गई है। वो भारत संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले पर भरोसा करते हैं जहां ये माना जाता था कानून के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। यदि
1989 के अधिनियम के तहत कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है तो अग्रिम जमानत दी जा सकती है। दूसरी ओर राज्य के वकील ने जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया कि SC ST अधिनियम की धारा 18 और 18A के तहत जमानत देने पर रोक है। किशोर न्याय बोर्ड श्रीनगर के एसिड अटैक मामले में कथित रूप से शामिल एक युवक की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। फरवरी 2022 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक महिला के चेहरे पर कथित तौर पर तेजाब फेंकने के लिए कानून के साथ संघर्ष में एक बच्चे समेत 3 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था जो 8वीं कक्षा का छात्र है। प्रधान मजिस्ट्रेट तौफीक अहमद मगरे और सदस्यों खैर उल निया और डॉक्टर असीमा हसन के एक कोरम द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि इस स्तर पर जमानत पर युवाओं की रिहाई निश्चित रूप से न्याय के लक्ष्य को हरा देगी। JGB ने कहा, आरोप की गंभीरता, इसके अपराध का तरीका, जिन परिस्थितियों में अपराध करने का आरोप लगाया गया है, इसका तत्काल और व्यापक रूप से समाज और इलाके पर तत्काल प्रभाव नहीं है। इसके अलावा पीड़ित परिवार के इसके प्रभाव के अलावा एक किशोर की जमानत याचिका पर निर्णय करते समय सभी मामलों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये सभी कारक किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12(1) के प्रावधान के तहत अंतिम सहमति खंड के तहत प्रासंगिक है जो कहता है कि किशोर की रिहाई न्याय के लक्ष्य को हरा देगी। किशोर के जमानत आवेदन को खारिज करते हुए JGB ने कहा कि उसे उच्चतम डिग्री के सुधार की आवश्यकता है ताकि उसे ये समझा जा सके कि समाज के मानदंडों और भूमि के कानूनों का पालन किया जाना चाहिए। JGP ने आरोपों की प्रकृति और गंभीरता और समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसकी बजाय उसने आदेश दिया कि उसे ऑब्जर्वेशन होम हरवान श्रीनगर में रखा जाए। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को अपनी ही पत्नी और 3 बच्चों को जिंदा जलाकर मारने के लिए दी गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। अदालत ने कहा, दोषी अपने अपराध की ओर इशारा करते हुए आपत्तिजनक परिस्थितियों की व्याख्या करने में विफल रहा। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि दोषी को उन परिस्थितियों के संबंध में धारा 313 CRPC के तहत उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया गया था जिसके तहत मृतक के घर के अंदर अप्राकृतिक मौत हुई थी। हालांकि वो ऐसा करने में विफल रहा। मृतक महिला गीता देवी के भाई द्वारा 6 अगस्त 1990 को पुलिस अधीक्षक कन्नौज को एक आवेदन दिया गया था। उसने ये आरोप लगाया गया कि आरोपी रामशंकर अपीलकर्ता ने एक मुन्नी देवी और एक राधेलाल के साथ मृतक गीता देवी और उनके 3 बच्चों पर मिट्टी का तेल डालकर उन्हें जलाकर हत्या कर दी। लिखित रिपोर्ट में दिए गए बयान के अनुसार मृतक गीता देवी का विवाह रामशंकर से हुआ था जो बुरे चरित्र और बुरी आदतों का व्यक्ति है। प्रथम मुखबिर को मृतक गीता देवी द्वारा लिखे गए पत्रों के माध्यम से अपील करता रामशंकर के बुरे व्यवहार के बारे में पता चला। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के पूरा होने के बाद आरोपी रामशंकर का CRPC की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया गया था जिसमें उसने कहा था कि उसे दुश्मनी के कारण फंसाया गया है। अपीलकर्ता ने यह कहते हुए सवाल खंडन किया कि उसके मुन्नी देवी के साथ अवैध संबंध थे। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता रामशंकर ने धारा 313 CRPC के तहत अपने बयान में दावा किया लेकिन उसके पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वो घटना की तारीख में घर में मौजूद नहीं था। इसलिए कोर्ट ने बिना किसी समर्थन सबूत के याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बचाव पक्ष का ये सुझाव कि मृतक पत्नी की मृत्यु परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के कारण अपने 3 बच्चों की हत्या के बाद आत्महत्या से हुई उसको रिसोर्ट द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि ये नोट किया गया कि इस परिकल्पना को स्वीकार करने के लिए कोई सकारात्मक सबूत नहीं है। गौरतलब हो कि कोर्ट ने आगे कहा कि घर की 4 दीवारी के भीतर होने वाली एक घटना में मौत की स्थिति को समझने का भार घर के निवासियों पर ही होता है। चलिए इसी के साथ कोर्ट राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप।